नमस्कार, मैं पूजा भंडारी आप सभी का मोटिवेटेड एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। हर दिन इतिहास में कुछ ना कुछ खास घटनाएं ज़रूर हुई होती है। ऐसी ही हर दिन से जुड़ी इतिहास को जानने के लिए मेरे चैनल मोटिवेटेड एजुकेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, जिससे मेरी वीडियो आप ही को सबसे पहले मिल सके। तो आइए आज के इतिहास पर नज़र डालते हैं। आज के दिन 1817 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सैयद अहमद खां का दिल्ली में जन्म हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक आवासीय शैक्षणिक संस्थान है। आज के दिन 1870 में कलकत्ता बंदरगाह को एक संवैधानिक निकाय प्रबंधन के तहत लाया गया था। आज के दिन 1904 में बैंक ऑफ इटली को आम लोगों के लिए खोला गया था। आज के दिन 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध में पहली बार जर्मनी की पनडुब्बी ने एक अमेरिकी पोत पर हमला किया था। आज के दिन 1970 में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व लेग स्पिनर और कप्तान अनिल कुंबलेकर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में जन्म हुआ था। इन्होंने अपने करियर में 619 टेस्ट और 337 वनडे विकेट चटकाए थे। आज के दिन 1973 में तेल निर्यातक अरब देशों ने इसराइल को तेल बेचने वाली कंपनियों और अमेरिका व ब्रिटेन पर प्रतिबंध लगा दिया था। आज के दिन 1998 में नाइजीरिया के जेसी शहर में एक पाइपलाइन विस्फोट से 1082 लोगों की मौत हो गई। आज के दिन 2003 में चीन ने अंतरिक्ष में एशिया के पहले और रूस के बाद तीसरे देश के रूप में अंतरिक्ष में मानव भेजने में सफलता प्राप्त की थी। आज ही दिन 2009 में हिंद महासागर में स्थित मालदीव ने पानी के अंदर दुनिया की पहली कैबिनेट बैठक कर सभी देशों को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से आगाह करने की कोशिश की थी। आज ही दिन 1923 में प्रसिद्ध लेखिका शिवानी का जन्म हुआ था। शिवानी हिंदी की एक कहानीकार एवं उपन्यासकार थी। हिंदी साहित्य जगत में शिवानी एक ऐसी शख्सियत रही जिनकी हिंदी, संस्कृत, गुजराती, बंगाली, उर्दू तथा अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ रही। कहानी के क्षेत्र में पाठकों और लेखकों की रुचि निर्मित करने तथा कहानी को केंद्रीय विधा के रूप में विकसित करने का श्रेय शिवानी को जाता है। आज के दिन वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने ऑप्टिकल फोनोग्राफ के पेटेंट के लिए 1888 में आवेदन किया था। यह एक ऐसी डिवाइस थी जिसमें किसी भी आवाज को रिकॉर्ड करके उसे सुना जा सकता था। इस खोज ने कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में क्रांतिकारी बदलाव को एक दिशा दी। आज के दिन एकाधिकार व प्रतिबंध व्यापार आयोग ने 2008 में निजी एयरलाइंस किंगफिशर और जेट एयरलाइंस के गठबंधन की जाँच के आदेश दिए थे। आज के दिन हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री स्मिता पाटिल का जन्म 1955 में हुआ था। स्मिता पाटिल हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री है। भारतीय संदर्भ में स्मिता पाटिल एक सक्रिय नारीवाद होने के अतिरिक्त मुंबई के महिला केंद्र की सदस्य भी हैं।